ही डाल लो भैया, आप लेके आ गए हो तो खुद ही डाल लो, आयरन का किराया दे देना, फिर मैं आपको पैसे क्यों दूँ जब मेरा टीवी ठीक नहीं हुआ तो। भैया पार्ट तो इतने का है, आप इतने ज़्यादा पैसे ले रहे हो, लाओ मुझे नहीं करवाना आपसे। ग्राहक अपना पुर्जा लेके आता है और बोलता है डाल दो सर जी, आप इस कितने पैसे लोगे, तो आपको उनको यही कहना है। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि कुछ कस्टमर दोस्तों ऐसे होते हैं जो आसपास की स्पेयर पार्ट्स की दुकान से कोई भी कंपोनेंट, कोई भी पुर्जा YouTube पे देखकर समझते हैं कि ख़राब है और वो ख़रीद करके लाते हैं और दुकानदार भाई के पास आकर बोलते हैं कि भैया ये पार्ट्स जो है हमारे टीवी में लगा दो, कितने पैसे लोगे। तो क्या ऐसे कस्टमर आते हैं आपके पास? पीछे बता रहे हैं भैया ऐसे कस्टमर आते हैं, कभी कभार ऐसे कस्टमर आते हैं जो खुद स्पेयर पार्ट खरीद के ले आते हैं और बोलते हैं कि भैया लो लगा दो। तो ऐसे कस्टमर को आप क्या कहेंगे, आपके क्या विचार हैं ऐसे कस्टमर के बारे में, तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले हम पूछेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे ऐसे कस्टमर्स के बारे में? अगर आपके पास कोई कस्टमर ऐसा आ गया जो सामान खुद ले आया, लो जी ये डाल दो, कितने पैसे लोगे, तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, उसको कैसे आप समझाएंगे, कैसे काम करेंगे? किया जाएगा पहले तो उसको समझाएंगे, ये पता नहीं सामान ख़राब ना उसका हो, ख़राब तो सामान आ सकता है, अगर डिलीवरी का सामान अच्छी तरह खराब निकलती है, नहीं अच्छी भी ख़राब निकलती है, तो उसके लिए वजह से ऐसा करेंगे ये तो खुद डाल दो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ऐसे कस्टमर को सामान दे करके आप कहेंगे कि खुद ही डाल लो भैया, आप लेके आ गए हो तो खुद ही डाल दो, आयरन का किराया दे देना। सर मैं तो बोलूँगा कि डालते समय ख़राब हो जाए, नहीं ख़राब हो मेरा मजदूरी जो होगा मैं लूँगा, और उसके बाद मैं अपने पास जो लगाऊँगा उसका गारंटी वारंटी दूँगा चलने के लिए, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो फिर से बनाऊँगा। बहुत बढ़िया जी, शाबाश। करेंगे सर, उसका सर्विस चार्ज लेंगे, उसको पहले चेक करेंगे ठीक है कि नहीं है, उसी के सामने सर्विस चार्ज पर काम कर देंगे। सर्विस चार्ज पर आप काम करेंगे, मान के चलिए जो कंपोनेंट आप डालने वाले थे वो 100 रुपये का है, तो आप उसे कितना सर्विस चार्ज लेंगे? 500 रुपये। वो कहेगा भैया 500 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, 100 रुपये का तो सामान ही है, आप 500 रुपये ले लोगे डालने के? सर बनाने का ही तो चार्ज है, सारा बनाने का ही चार्ज है। सीखने के बाद आप फिर इतने साल से सीखते हैं, प्रैक्टिस होता है, उसी का तो चार्ज होता है ना सर। जी जी, चलो ठीक है। सर पहले तो कंपोनेंट सामान को चेक करेंगे कि सही है कि नहीं, अगर सही है तो फिर बताएंगे कि भाई हम लोग इतना चार्ज लेंगे, हमारा सर्विस चार्ज है। सर्विस चार्ज तो सर्विस चार्ज वो बोलेगा इतना ज़्यादा है, सर्विस चार्ज ज़्यादा है तो आप खुद ही लगा लो, आप खुद ही लगा लो, मतलब ये बोलेंगे भैया खुद ही लगा लो। सर मान लीजिए वो अपना पार्ट लाता है, पहले तो उससे कहेंगे कि क्या कहते हैं अगर ये पार्ट यहाँ यूज़ हो सकता है तो इसको यूज़ कर देंगे, नहीं तो फिर आपको चेंज कराना पड़ेगा। भैया यही पार्ट लगेगा, मैंने देखा है कहीं पे, आप ये क्यों कह रहे हो कि ये नहीं लगा तो दूसरा लगाएंगे? तो सर जो सर्विस चार्ज होगा वही लेंगे। क्या सर्विस चार्ज होगा? सर्विस सामने करेंगे, जो लगेगा वही ले लेंगे। 150 रुपये में हो जाएगा, और नहीं हुआ टीवी ठीक फिर क्या होगा? तो इस चीज़ की गारंटी तो पार्ट ही होती है ना, वो कुछ समझेगा। तो फिर मैं आपको पैसे क्यों दूँ जब मेरा टीवी ठीक नहीं हुआ तो? नहीं होगा। मैं तो सबसे पहले बोलूँगा सर कि स्टेप बाय स्टेप सारे कंपोनेंट का चेक करने के बाद उसके एक रेट जानकारी दूंगा कि इतना भैया पैसे लगेंगे आपको। नहीं, पार्ट्स वो खुद लाया है, मोबाइल का भी काम करते हो शायद आप? जी, करते हो जी। एक माइक ले आया भाई 5 रुपये का, मैं जी कह रहा हूँ भैया लो डाल देना, कितने पैसे लोगे? फिर भी सर्विस चार्ज के अनुसार उसे बोलूँगा कि 50 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे। 50 रुपये लगेंगे जी। जो जी आपने लगा दिया, मैंने चेक किया भैया माइक तो चला ही नहीं, 50 रुपये किस बात के दूँ? माइक नहीं चला तो उसकी प्रॉब्लम। मैं नहीं भैया, आपने मेरा माइक ख़राब कर दिया। आपने ख़राब क्यों कर दिया? इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ख़राब भी हो सकती है। नहीं जी भैया, मैं तो नया लाया हूँ खरीद के, एकदम नया फ्रेश लाया हूँ, ख़राब कर दिया। अपनी सामान डाल के दूंगा तो मैं अपने आपसे गारंटी भी आपसे दूंगा कि 1 महीने 10 दिन के बाद अगर ख़राब होती है। भैया इसका मतलब आपने जानबूझ के ख़राब किया है हमारा, अपना सामान डालने के चक्कर में आपने जानबूझ के ख़राब कर दिया। तो भैया सर पहले तो चेक करेंगे कि खराबी वही थी, मतलब वो जो पार्ट लेके आया है क्या एक्चुअल में खराबी वही थी? जी जी ठीक है। अगर सर वही खराबी थी तो सर्विस चार्ज लेके सर सही कर देंगे उसको। कितना सर्विस चार्ज होगा सर? एक मिनिमम रहेगा अमाउंट, मिनिमम तो रहेगा 250 रुपये मिनिमम रहेगा, और जो जैसे बड़ी प्रॉब्लम है या बड़ा कुछ लग रहा है तो उसके हिसाब से। जी जी देखिए, मिनिमम चार्ज जो भी रहता है वो कई बार मेहनत के ऊपर वो बढ़ भी जाता है,
कई बार टीवी को जैसे खोलने में आपका समय ज़्यादा लग रहा है, तो उस हिसाब से सर्विस चार्ज भी हमने उस हिसाब से बताना पड़ता है, नहीं बताना पड़ता है। तो ऐसे में पार्ट्स की कीमत कम है तो कस्टमर ज़रूर बोलेगा कि भैया पार्ट तो इतने का है, आप इतने ज़्यादा पैसे ले रहे हो, लाओ मुझे नहीं करवाना आपसे। हाँ सर, मैं उनसे पहले तो पूछूंगी, सर ये आपने जो पार्ट्स लेके आए हैं, आपने किसने बताया कि ये पार्ट्स आपका ख़राब है नहीं है? और बाकी जो मैं पार्ट्स आपका लगा तो दूंगा, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं होगी जी। बहुत अगर ख़राब है तो आपका होगा, मैं तो लगने पर सक्सेसफुल होते हैं तो आप मेरे को सर्विस चार्ज दे देना जो भी एक मिनिमम होगा जी जी। बहुत अब नहीं तो हमारी इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बहुत बढ़िया। देखिए अगर बाई चांस उनका पार्ट नहीं चला तो क्या हमारा सर्विस चार्ज बनता है लेना या नहीं? हाँ वो तो सर हमारा एक मिनिमम देना ही पड़ेगा अपना जी, उनको कहना पड़ेगा ना पहले। हाँ कहना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहोगे जी ऐसे कस्टमर को? जी पहले तो मैं जो पार्ट्स लेकर आया वो चेक करूँगा सही में प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद बताऊँगा भाई, लगाने के बाद चलेगा तो आपका, नहीं चला तो भी आपका। और सर्विस चार्ज? सर्विस चार्ज जो है मेरा मिनिमम वो देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा अलग से, जो अगर काम होगा उसका अलग से। ये पहले कहना होगा ना कस्टमर को जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर पहले तो मैं उससे ये बोलूँगा कि ये पार्ट जो आप लाए हो आपको एक्चुअली पता है कि यही प्रॉब्लम है? बोलेगा हाँ यही प्रॉब्लम है। तो मैं उससे बोलूँगा अगर ये पार्ट मैंने लगा दिया तो जो हमारा सर्विस चार्ज है आपको देना पड़ेगा। अगर ये पार्ट आपका 10 दिन बाद ख़राब होता है तो आप खुद ही जाओगे इसको रिप्लेस कराने, हम दोबारा इसमें मतलब हम नहीं करेंगे इसमें कुछ भी। तो दोबारा मेरे ख्याल से सर्विस चार्ज तो दोबारा भी बनता है ना, अगर वो चेंज भी करा के लाएगा सर्विस चार्ज आपको दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि आप ये पार्ट लाए हो, फॉल्ट आपका है मेरा नहीं। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। कि जितनी बार वो हम खोलेंगे उतना सर्विस चार्ज उनको देना पड़ेगा अगर वो पार्ट अपना ला रहा है तो। आप क्या कहोगे जी ऐसे घने साने कस्टमर को? सर हमारे पास ऐसे कदित जो कस्टमर होते हैं बहुत कम आते हैं, लेकिन जो आते हैं तो उन्हें भाव जाते पहले से कि ज़्यादा सवाल जवाब करने वाले हैं। तो अगर वो बोलते हैं कि सर हम तो मार्केट से सामान लेके देंगे आपको, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो कि अच्छी बात है, कम से कम हमारी टेंशन खत्म। अच्छा, अब तुम लेके आओ और डालने के पहले उसको इतना डरा धमकाई देते कि भाई देखो अगर नहीं काम किया तो पैसे आपके बर्बाद होंगे, और कितने दिन चल रहा है इसकी सबकी गारंटी आपकी तुम्हारी रहेगी, हमारा काम सिर्फ डालने का रहेगा केवल बस। तो पहली बात तो वो कुछ कहता है कि भाई हम लेके ना आए तुम ही डाल दो, और जब वो किसी कंडीशन में बोलता है नहीं आप पैसे ज़्यादा बता रहे हैं, तो फिर अपना सर्विस चार्ज जो भी बनता है वो बनता है टीवी के ऊपर कि टीवी कितनी कीमत की है या वो जो सामान है वो कितने ब्रांड का है कैसा क्या, उसके हिसाब से फिक्स नहीं है। ठीक है जी, तो सर्विस चार्ज उसको बता दिया जाए। हाँ, पहले अगर वो राजी हो जाता है करवाने के लिए तो आप अपना पार्ट डाल के करोगे तो ही गारंटी दोगे। हाँ बिल्कुल, नहीं तो उसके सामान की गारंटी नहीं दोगे। बहुत बढ़िया। अगर ऐसे कस्टमर हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले उसे मैं अपना सर्विस चार्ज बताऊंगा, और सर्विस चार्ज बताने के बाद जो उसमें कमी है वो बताएंगे, और उस पार्ट की जो कीमत होगा वहीं पे बता दें और बताएंगे ये लगाने के मेरे पार्ट में जो गड़बड़ी होगी मैं उसे सही कर दूंगा। ठीक ठीक ठीक। लेकिन अगर दूसरा कंपोनेंट में खराबी है तो उसका लिए फिर दोबारा सर्विस चार्ज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। कस्टमर मेरे पास आएगा तो उसका जो पार्ट लेके आएगा तो उसकी गारंटी उसको बोलेंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और मेरा जो पार्ट लेके आएगा उसकी गारंटी मैं ही लूँगा। जी जी, बहुत अच्छा। जो सर्विस चार्ज तो लूँगा पर तुम्हारे पार्ट की जिम्मेदारी तुम्हारी, मेरे पार्ट की जिम्मेदारी मेरी। बहुत बढ़िया जी। देखो नियम भी यही है और तरीका भी जायज़ यही है। तो देखो यहाँ पे कुछ दुकानदार जो हैं जिनकी पहले से दुकान है उनकी भेंट हो चुकी है ऐसे कस्टमर से, तो हमने जैसे इनसे सबसे सवाल पूछे तो कई लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि ऐसे ग्राहकों को कैसे हैंडल करना है, और उनके जवाब को सुन करके समझ करके ऐसे लोगों को भी फ़ायदा ज़रूर होगा, वो भी ऐसे कस्टमर को हैंडल कर पाएंगे जो अभी जाके दुकान खोलना चाहते हैं या अभी अभी मार्केट में कदम रखते हैं। तो आप अभी दुकान खोलेंगे या पहले से आपकी दुकान है? तो आप बताइए आपको जो जवाब जो सवाल जो भी लोगों ने बोला उससे आपको कुछ फ़ायदा होगा उनकी बात सुन के? जी जी, आपको होगा उनकी बात सुन के, या आपसे कस्टमर पहले आ चुके हैं ऐसे आपके पास? आ चुके हैं। अच्छा आ चुके हैं, आप भी एक्सपीरियंस वाले हो, आपके पास आ चुके हैं? जी सर आ चुके हैं। आपकी दुकान है जी। बहुत बढ़िया, मतलब सब लोग एक्सपीरियंस वाले इस बार आए हैं। अगर आपकी दुकान पे भी ऐसे कस्टमर आते हैं तो आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि उन कस्टमर को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया बात हमें हमारे स्टूडेंट्स ने बताई, जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि ग्राहक अपना पुर्जा लेके आता है और बोलता है डाल दो सर जी आप इस कितने पैसे लोगे, तो आपको उनको यही कहना है कि ये कंपोनेंट मैं डालूंगा चले ना चले उसकी जिम्मेदारी आपकी है, मैं अपना सर्विस चार्ज ले लूँगा, अगर आपको मंजूर है तो मैं आपका टीवी ठीक करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। और अगर मैं अपना पार्ट डालता हूँ तो मेरा पार्ट अगर चलेगा आपका टीवी मैं रिपेयर कर दूँगा,
तो मैं आपसे पैसे लूंगा, नहीं तो मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, और अगर मेरा पार्ट चल जाता है तो मैं आपको उसके कुछ दिन चलने की गारंटी भी दूंगा, ठीक है। और अगर आपका पार्ट अभी चल गया और कल खराब हो गया, परसों खराब हो गया, या ये इसमें मैचिंग ना हुआ, तो मैं अपना सर्विस चार्ज आपसे जरूर लूंगा, क्योंकि मैंने खोलकर उसमें लगाने की, क्योंकि आप लाए हो आप, ठीक है जी। हमारे स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और हमारे स्टूडेंट्स का जो भी यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा, तो बस एक दो शब्दों से ही मैं पूछूंगा। तो देखिए, आप लोगों की जो ट्रेनिंग यहाँ पे 10 दिन जो रहे आप लोगों ने यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हो या नहीं लेके जा रहे आप यहाँ से? अब कम से कम इतना कॉन्फिडेंस तो होगा कि यार टीवी का पेज तो खोल के देख लें, कम से कम पेज तो खोल लें, इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा। जिसको इतना सा कॉन्फिडेंस भी आ गया, वो उसे और बढ़ा सकता है। जिसे पेज खोलने का ही कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो भैया उसका तो टाइम और पैसा, तो वो तो उन्हीं के साथ हो सकता है जो कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही जीरो पर लाए हो और उसको बढ़ाना ही ना चाहते हो, जिनकी सुई एक ही जगह अटक गई हो। तो आपकी सुई तो नहीं अटकी एक जगह? बिल्कुल बिल्कुल, सुई एक जगह नहीं अटकनी चाहिए, पानी एक जगह नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो चलते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। दुकान पे खाली बैठे हैं तो कोई ना कोई बोर्ड उठाया और उसमें देखा कि सर से हम क्या सीख के आए थे, क्यों ना उसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करके उसको थोड़ा सा और उसको जान लें उसके बारे में, समझ लें उसके बारे में, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं चलते रहना, इसको क्या कहते हैं? तो भैया वादा करके जाओ कि सर अब हम आगे चलते जाएंगे, जो रास्ता आपने बताया है उस रास्ते पे हम आगे चलते जाएंगे, कहीं अटकेंगे तो हम आपसे संपर्क भी करेंगे और अपनी जो भी मुश्किलें हैं आपके आगे शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब मिलेंगे अगली वीडियो में।